The descent has begun. तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से WWE 2K18 में। हम लोग कर रहे हैं SummerSlam 2018 के predictions। आई होप आपको पूरे सीरीज में मजा आया, आज के एपिसोड में मजा आएगा क्योंकि ये हमारा आखिरी prediction होने वाला है दोस्तों। तो फटाफट एक लास्ट टाइम लाइक ठोकना ना भूलिए फॉर द सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में हमने किया था ब्रॉन्स रोमन वर्सेज केविन ओवेंस, लेकिन आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच शिंसुके नाकामुरा वर्सेस जेफ हार्डी। तो इन दोनों के मैच में काफी पोटेंशियल है, धमाकेदार मैच हो सकता है जस्ट एक्सट्रीम रूल्स में। पिछले पेपरव्यू में जेफ हार्डी अपना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हारा टू शिंसुके नाकामुरा। क्या मैच था वो, मैच स्टार्ट होने से पहले ही पूरा खत्म कर डाला उसने। जैसे ही रेफरी ने अपनी पीठ मोड़ी, बूम, लो ब्लो बाय शिंसुके नाकामुरा, जेफ हार्डी वहीं पे डाउन, बस एक किनशासा एंड मैच वहीं पे खत्म। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग था पोस्ट मैच, रैंडी ऑर्टन निकल के आया बिल्कुल अपने खतरनाक वाइपर वाले मूड में एंड उसने धे धना धन पीटना स्टार्ट किया अपने जेफ हार्डी को। यस, वहीं पे पेल डाला, एक नई दुश्मनी खड़ी कर ली वहां पे उसने। और फिर स्मैकडाउन में था यूएस चैंपियनशिप के लिए रीमैच, वहां पे जेफ हार्डी जीतने ही वाला था शिंसुके नाकामुरा के ऊपर, लेकिन फिर दोबारा रैंडी ऑर्टन बीच में आया, उसने डिस्क्वालिफिकेशन में एंड कर दिया इस मैच को। टाइटल शिंसुके के पास ही रहा लेकिन रैंडी ने अपना बदला फिर दोबारा निकाला। पता नहीं कौन से जन्म का गुस्सा है उसका, क्या पता इन तीनों के बीच में हमें राइवलरी देखने को मिले, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इस मैच में आपको क्या लगता है क्या होगा दोस्तों, अपना प्रेडिक्शन बताना ना भूलिए कमेंट्स में। आई बटन पे वोट कर सकते हैं आप लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार के लिए। मेरा मानना है, मेरा प्रेडिक्शन होगा इस मैच के लिए कि शिंसुके नाकामुरा विल रिटेन हिज यूएस चैंपियनशिप किसी ना किसी तरह, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है रैंडी ऑर्टन, वो पक्का दोबारा बीच में आ सकता है मैच के एंडिंग में, मैच के बीच में, सब मैच यहाँ पे चौपट हो सकता है। क्या पता वहां जाते जाते ये ट्रिपल थ्रेट बन जाए, वो तो और भी ज्यादा मजेदार होगा। लेकिन आप बढ़ते हैं गेम की तरफ, WWE 2K18 की तरफ, जहां पे हमने सेटअप कर दिया है फास्ट मोमेंटम, लेजेंड डिफिकल्टी, समर स्लैम मोमेंट, लेट्स गो। वेलकम टू समर स्लैम एंड सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ेगा द चैलेंजर जेफ हार्डी, द कैरिज्मेटिक एनिग्मा। एंड ये काफी डिस्ट्रैक्टेड होगा बंदा, ही विल बी ऑन अ लुकआउट फॉर रैंडी ऑर्टन, कहीं पीछे से ना आ जाए RKO out of nowhere। इसको चिंता दोनों तरफ से होगी, इसके लिए काफी टफ बन चुका है ये मैच। लेकिन उसको चिंता करनी चाहिए एक ही चीज की, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शिंसुके नाकामुरा की, द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल, द आर्टिस्ट। नाकामुरा के पास आखिरकार एक टाइटल आ चुका है, कब तक डिफेंड करेगा वो, क्या रैंडी ऑर्टन इसके भी नाक में दम करेगा, वी डोंट नो, लेट्स सी। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ऑन द लाइन, दोनों रेसलर्स रेडी, एक तरफ जेफ हार्डी, दूसरी तरफ शिंसुके नाकामुरा। एंड ये बजी घंटी ऑन समर स्लैम, एंड ये भागते हुए विद अ नी, भाई क्या स्ट्रॉन्ग स्टाइल नी था जेफ की, बिल्कुल हवा टाइट कर दी उसने कोने में, दो लात पड़ी एंड वो बिल्कुल ढेर। जेफ हार्डी का सर घूम चुका है, धमाकेदार बैकड्रॉप, शिंसुके ने अभी से पूरे मैच का मोमेंटम अपने पास है। एंड स्कूप स्लैम के साथ जबरदस्त पटकी, सीधा टॉप रोप की तरफ भागते हुए हाई फ्लाइंग मूव नाकामुरा की तरफ से भी देखने पड़ेंगे। एंड बिल्कुल एल्बो ड्रॉप पड़ा है यहाँ पे, लेकिन रेफरी बीच में आ गया अचानक से, रेफरी नॉक डाउन, एंड यही फायदा उठाने का मौका है हमारे पास। बूम, क्या बात है, बेसबॉल से, बेसबॉल बैट से पेल दिया गया जेफ हार्डी को, फायदा उठा लिया उसने, रेफरी डाउन था एंड सीधा उसने इलीगल वेपन का यूज किया, एक और स्ट्रॉन्ग स्टाइल नी। नाकामुरा यहाँ पे बिल्कुल हील टर्न उसका बहुत ही कमाल का था, जब से हील टर्न किया उसने, उसके पास एक चैंपियनशिप भी आ चुकी है। अब जेफ हार्डी यहाँ पे सारा डैमेज लेते हुए अपने ऊपर, इन दोनों को वैसे एक चीज से डरना चाहिए, वो है स्वाइपर रैंडी ऑर्टन से। RKO आउट ऑफ नोवेयर कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वो इन दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। क्या बात है, क्या लात थी, टोर्नेडो डीडीटी के साथ चिट किया उसने नाकामुरा को। अब वो फटाफट मोमेंटम गेन करना चाहता है, लगातार डैमेज करने की कोशिश में, लेकिन नाकामुरा अगेन विद अनदर सिग्नेचर मूव, ले भाई धे धनाधन, क्या पंच था ये वाला, नॉकआउट पंच ऑन द सेकेंड रो, इज ही लुकिंग फॉर इट, सिग्नेचर किनशासा, कूदते हुए आया, बिल्कुल गर्दन उखाड़ने वाला था उसकी, सीधा पिन में जेफ हार्डी इन ट्रबल अगेन, वन
टू आराम से किक आउट मारा उसने बहुत ही आसानी से. शिंसुके कांट बिलीव दिस. क्या करेगा वो फिनिश करने के लिए इस मैच को? कैन ही फिनिश इट विद वन किनशासा? बट ही नीड्स अनदर वन एंड किनशासा नंबर टू ऑन द ग्राउंड. यही थी बात. वन टू एंड एक और किक आउट. कम ऑन रेफरी, कम ऑन. नाकामुरा चढ़ गया सेकेंड रोप पे बहुत ज्यादा गुस्से में. ही वांट सम मोमेंटम टू हिट साइड एंड जेफ हार्डी फटाफट उसको डॉच करते हुए गर्दन पकड़ी उसने ना पर कट. नाकामुरा का सर घुमा दिया, रोप्स पे लटकाया उसने. आयरिश हुए एंड फेंका नाकामुरा ने उसको उल्टा. ये हुई ना बात. उसको बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं लेने दिया यहाँ पे. पूरा डबल एक्स हैंडल के साथ लेकिन कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पे. सिग्नेचर मूव हमारे पास है, बड़ा सा आयरिश हुए. जेफ हार्डी ऑन द आउटसाइड एक ही पंच के साथ बंदा नीचे. बिल्कुल लोगों के सामने फाइट चालू हो चुकी है. यहाँ पे सिग्नेचर मूव पड़ा उसने. आयरिक किया एंड लो ब्लो. व्हाट अ लो ब्लो, वो भी रेफरी के सामने. नो डिस्क्वालिफिकेशन, घंटे नहीं बजाए उसने. एप्रन पे पड़ा जेफ हार्डी की बॉडी. क्या डिसएडवांटेज में है ये बंदा. इतना बड़ा लो ब्लो, इतना सारा पेन, तब भी कैसे ये अभी भी लड़ रहा है हमारे अगेंस्ट. एक और बार उठाया पीछे की तरफ बैकड्रॉप. कमाल का बैकड्रॉप था ये वाला. जेफ हार्डी भाई हर जगह से लुल हो चुका है बिल्कुल. एक और लात मारी उसके पेट में एंड शिंसुके इज लुकिंग फॉर समथिंग बिग. धमाका मचा देना चाहता है वो समर स्लैम में. उसने अनाउंस टेबल खोलना चालू कर दिया यहीं पे. जेफ हार्डी का वेट करते हुए सीधा उसको अनाउंस टेबल में फेंका. यहाँ पे ओएमजी मोमेंट छीन गया जेफ हार्डी. अचानक से पूरा मोमेंटम वो अपनी तरफ ले गया ओएमजी. लेकिन अनाउंस टेबल में जरूर पटक दिया उसको दोबारा से. काउंट आउट दोबारा से चालू लेकिन इस बार फिनिशिंग मूव जेफ हार्डी के पास. उसने पलटा मैच को, पेट पे नी एंड उसको वापस रिंग की तरफ घसीटना चालू किया उसने. ओप्स ओप्स पटक दिया मुंह के बल. उसके पास फिनिशिंग मूव है. दिस माइट बी बैड. व्हाट विल ही डू. उसने ओएमजी मोमेंट लगा दिया यहां पे. ये मारा मुंह पे पंच. ओ तेरी. काउंट आउट अब भी चालू लेकिन जेफ हार्डी ऑन द टॉप रोप. क्या करेगा वो. मून सॉल्ट फ्रॉम द टॉप रोप. व्हाट अ मूव, व्हाट एन ओएमजी मोमेंट. बूम, लेग ड्रॉप बिल्कुल टांगों के बीच में. दिस इज ऑसम की चैंट चारों तरफ से. जेफ हार्डी से हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन उसने ऐसा रिस्क उठाया. दिए एनिग्मैटिक, कैरिज्मैटिक भाई साहब, बंदा कमाल है कुछ भी कहो. जेफ हार्डी पे थोड़ा सा हमने एडवांटेज लिया एंड कूद गए उसके ऊपर डबल नी के साथ. दोनों ऐसे ऐसे धमाकेदार मूव मार रहे क्या बताऊं मैं. रिंग के अंदर उसको फेंक दिया गया. मैच को वापस से रिंग के अंदर ले गए हम लोग. सिग्नेचर मूव है शिंसुके के पास. क्या करेगा वो. ही इज गोइंग लो ब्लो आफ्टर लो ब्लो. धमाकेदार लो ब्लो था ये तो. रेफरी बस मुंह खोल के देख सकता है वहां से. चार्ज फिनिशर नंबर टू. Will Jeff Hardy survive this? And pit pe laad Kinshasa. Alas. One, two. Ope. इस वाले Kinshasa से कैसे बचा ये? इतनी मार खाने के बावजूद ये फटका उसको on the knee. धमाकेदार neck breaker. Shinsuke फिर दोबारा second rope पे चढ़ चुका है. ये ले भाई ऊपर से आया. Come on. Finish this. जेफ हार्डी बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है, बिल्कुल लाल हो चुका है मार खाते खाते. स्कूप स्लैम के लिए जा रहे थे लेकिन जेफ निकला अचानक से. उसके पास सिग्नेचर मूव आ चुका है. हमें कोने में ले गया वो. दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड. एंड उसका सिग्नेचर मूव छीन मारा हमने यहाँ पे. बूम, नी पड़ा उसके पेट पे. ऑन द सेकेंड रोप अगेन. उसको मौका नहीं दे सकते हम लोग. कम ऑन, वहीं से कूदेगा एंड ये पड़ा डबल एक्स हैंडल. अब बंदे के पास मोमेंटम नहीं, बिल्कुल फुस पड़ा हुआ है. नाकामुरा ने बीचों बीच खींच लिया है उठने से पहले ही. किनशासा, ये तो फिनिशर था भाई. वन टू. जेफ हार्डी भाई कहीं से एनर्जी लाते हुए, रेजिलेंसी दिखाते हुए अगेंस्ट ऑल दी स्ट्रॉन्ग स्टाइल नीज. एक के बाद एक इतने नीज मार चुके हैं लेकिन सबके सब इनइफेक्टिव.
जेफ के पास सिग्नेचर मूव आ गया अचानक से, कोने में ले गया वो, एंड अचानक से उसने यहाँ पे धमाधम पीटना स्टार्ट किया टोर्नेडो डीडीटी के साथ। दूसरी तरफ जेफ हार्डी के पास अंदर से कुछ आ रहा है, सिग्नेचर मूव लगाया उसने एंड पीछे की तरफ पटक दिया है, ऑलमोस्ट रोप्स में उसका गर्दन लगा। फिनिशिंग मूव उसके पास है, लेग ब्रेकर यहाँ पे, शिंसुके इन पेन। मैच काफी टू एंड फ्रो चल रहा है, रिवर्सल करना बहुत जरूरी था यहाँ पे। Did we do it? Yes, we did. Denied and paid pe laat. Boom! Aur teri Jeff ne laat pakad ke dusri taraf ghumayi hamari. Jeff thak chuka hai, Nakamura thak chuka hai ye ke yahan pe apna Hardy boys abhi bhi kafi chust. Into the announce table again. Oho, Jeff har cheez counter kar deta hai announce table ke upar. Apron pe usne spear diya. एंड अब दोनों एनवायरनमेंट का यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से पूरी की पूरी गेम जेफ हार्डी की तरफ चले गई है। उसके पास एक सिग्नेचर, एक फिनिशर, बूम, ड्रॉप किक टू द हेड। आई थिंक शिंसुके इज नॉक्ड आउट कोल्ड, हिल भी नहीं रहा वो अपनी जगह से, लेकिन जेफ को वापस ले जाना पड़ेगा रिंग में इस मैच को, तभी वो जीत सकता है। 7 काउंट आउट तक पहुँच गया था सब कुछ, जेफ ने हमें फिर उठाया। क्या इस बार रिवर्सल हुआ? इस बार सिग्नेचर मूव रिवर्सल हो गया एंड मिड एयर, धमाकेदार रिवर्सल यहां पे, डीडीटी में बदल दिया एंड मिड एयर एंड सिग्नेचर मूव, कम ऑन फ्रॉम द सेकंड रोप, किनशासा, धमाकेदार किनशासा। एक और लगेगा भाई इसको, एक के बाद एक इतने किनशासा भाई। बूम, स्ट्रेट इनटू द पिन, रेफरी कम ऑन, 1, 2, 3, Shinsuke Nakamura wins and Nakamura retains his championship, अभी भी United States champion, क्या बात है। इसका heel turn तो काफी सही चल रहा है यहाँ पे। और ये क्या post match, फिर Randy Orton निकल के आया, इस बार फिर दोबारा Jeff Hardy को अपना target बनाया, कूद गया वो उसके ऊपर, referee रोकने की full कोशिश कर रहा है, लेकिन Randy Orton किसी के कहने पे रुकने पे कुछ नहीं करने वाला। बूम, वाटर डीडीटी, बंदे को वहीं पे ढेर कर दिया इसने, मार मार के उठा लिया, गोइंग फॉर एन एक्सप्लोडर सुप्लेक्स। इतना क्या गुस्सा है भाई रैंडी ऑर्टन का, एंड आरकेओ नोवेयर भाई, व्हाट एन आरकेओ, खत्म यहीं पे पूरा समर स्लैम। तो दोस्तों ये था आज का मैच, आई होप आपको मजा आया, फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए, मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, शिंसुके नाकामुरा या फिर जेफ हार्डी, क्या रैंडी दोबारा बीच में आएगा, आपको क्या लगता है सब बताइए। और भी कुछ मैचेस हैं, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है, उसमें मुझे लगता है कि ब्लजन ब्रदर्स विल रिटेन देयर टाइटल अगेंस्ट न्यू डे। देन वी हैव रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच, उधर मुझे लगता है कि बी टीम विल रिटेन देयर चैंपियनशिप अगेंस्ट द रिवाइवल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम विद मोर प्रिडिक्शंस, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।